हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अंबेडकर जयंती पर भाषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत देश की शान है, वो हर दिल में विराजमान है। वो देश के लिए किए कई बड़े काम हैं। हमारे बाबा साहेब बड़े महान हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम शुभम है एवं मेरी ओर से आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में हर साल 14 अप्रैल का दिन अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती हमारे देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री होने के साथ साथ वह एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ भी थे। वह भारत को अखंड रूप में देखना चाहते थे, अतः उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जो देश को निष्पक्ष एवं प्रगतिशील बनाए। अछूत होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, अतः उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था एवं देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। वह सदैव हर भारतवासी के दिल में अमर रहेंगे तथा अपने महान कार्यों के कारण उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर
सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।